आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी इच्छा को जाने। प्रभु महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब इस खुले आसमान के नीचे तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं इकट्ठा है, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू स्वर्ग से उतर कर उनके बीच में इकट्ठा होता है, ये तेरा वायदा है। आपने कहा जहां कहीं मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में होंगे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संगति को, इस आराधना को ग्रहण करें। यह उपस्थित एक एक भाई बहन जो दूर दूर से यात्रा करके यहां आए हैं पिता, वो आपके वचन से तृप्त हो, उनकी भूख और प्यास जो संसार का भोजन नहीं दे सकता, मिटा सकता प्रभु, वो केवल आपके वचन से हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा गौरव आपको देकर इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं सबसे पहले आप सबको परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समय को चुना कि आप इस स्थान पर इकट्ठा हो और खुले आसमान के नीचे परमेश्वर की आराधना करें। यह आपकी इच्छा है कि आप यहां हो। दिस इज योर चॉइस, यह आपका चुनाव है। आपने इस पल को, इस घड़ी को, इस क्षण को अपने लिए चुना है। और बाइबल कहती है कि जब मनुष्य उससे प्रार्थना करता है, जब मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है, तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर इकट्ठा होता है, वो हमारे बीच में स्वर्ग से उतरता है। वचन बताता है कि यद्यपि उसका सिंहासन स्वर्ग में है, लेकिन उसका हृदय इस पृथ्वी पर उसकी प्रजा के बीच में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कल जो सेवक यहां आए थे, आज सुबह मेरी उनसे कुछ क्षण मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि कल उन्होंने जो प्रचार किया था वो ये था कि हम मन फिराएं, हम मन फिराकर उस परमेश्वर के पास में आए। मैं उसी प्रचार को आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की तो परमेश्वर ने मनुष्य को उपहार दिया, और वो उपहार क्या है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। इन गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। ये समानता बाहरी नहीं है, ये समानता दैहिक नहीं है, लेकिन आत्मिक है। परमेश्वर पवित्र है और उसने मनुष्य को पवित्र बनाया था। परमेश्वर दया का धनी है और मनुष्य भी दया का धनी था। बाइबल कहती है प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर आदम से संगति करने, मुलाकात करने के लिए अदन की वाटिका में आता था। यह बड़ा अद्भुत था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब मैं अपने घर जाता हूं तो मेरी दोनों बेटियां मुझे पकड़ लेती हैं, वो मेरे घरे लग जाती है, क्योंकि कई दिनों की यात्रा के बाद मैं आया हूं। ठीक इसी तरह अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आदम के साथ संगति करता होगा, मुझे विश्वास है कि आदम दौड़कर उस यहोवा परमेश्वर के साथ लिपट जाता होगा। यह कितना अद्भुत होगा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर और सृष्टि के बीच एक अद्भुत मुलाकात, एक सुंदर चित्रण, जहां परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, द गॉड हु क्रिएटेड हेवन्स एंड अर्थ, मेरे प्रियो, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। वचन कहता है उसके कह देने से ये संसार अस्तित्व में आ गया। उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उसने कहा सूर्य हो और सूर्य हो गया। उसने कहा चंद्रमा हो और चंद्रमा हो गया। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि यर्मिया कहता है कि क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? Is there anything difficult for him?
इतना सामर्थी परमेश्वर। इस समय जब आप यहां बैठे हैं, आप जानिए कि आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। ये पृथ्वी हवा में 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। ना केवल इतना, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रत्येक दिन सूर्य आपको प्रकाश देता है। 8.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, संपूर्ण मानव जाति को प्रकाश और ताप देने के लिए। सूर्य का ताप इस पृथ्वी के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके ताप के द्वारा ये पृथ्वी में एक सामान्य टेम्परेचर, एक वातावरण बना रहता है और पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी उस ताप में जीवित रहते हैं। अगर सूर्य का ताप इस पृथ्वी पर ना पड़े तो 25 दिन के अंदर ये पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि मनुष्य का इस पर रहना दुर्लभ हो जाएगा, सभी जीव जंतु मर जाएंगे। लेकिन 6,500 साल से प्रत्येक दिन सूर्य अपना प्रकाश आपको देता है, क्योंकि एक सामर्थी परमेश्वर की आज्ञा है। एक सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत, विराट और अदम्य, जिसके कह देने से समुद्रों की सीमाएं थम जाती हैं। इतना विराट परमेश्वर, उसने मनुष्य को बोलकर बना दिया, उसने मनुष्य के अंदर अपना प्राण दे दिया। इसे दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है जो उसकी शरण लेता है, क्या ही धन है जो उसके पास जाता है। दाऊद एक राजा है, किंग डेविड इज ए किंग, इज ए किंग, वो एक राजा है और लोग उसकी शरण में आते हैं, प्रजा राजा की शरण में आती है। लेकिन राजा कहता है, क्या ही धन है यहोवा परमेश्वर जो मनुष्य उसकी शरण लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना सामर्थी परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, उसके पास आपके लिए एक अनंत इच्छा है। उसने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप एक दिन खाए पिए और मर जाए, आपका ये शरीर मिट्टी में गाड़ दिया जाए और इसे कीड़े खा जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप उस परमेश्वर के साथ अनंत काल की संगति करें, अनंत काल की संगति। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आदम और हवा से मिलने के लिए आया करते थे और वहां पर वो बैठकर अद्भुत बातें किया करते होंगे। ये कितना सुंदर चित्रण होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बाइबल कहती है जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया तो लिखा है उत्पत्ति उसका 3:10 में, उससे कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया हूं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर तो मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर तो प्रत्येक दिन आपके साथ संगति करना चाहता है। He wants to have fellowship with you। लेकिन ये क्या हो गया, आदम जो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, जो परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय है, जो परमेश्वर की सबसे प्रिय प्राणी है, वो कह रहा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और मैं झाड़ी में छिप गया हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं पिछले लगभग 18 साल से इस परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, ना किसी समाज का प्रचार करता हूं, लेकिन मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रचार करता हूं जो मनुष्य से प्रीति रखता है, जो मनुष्य की चिंता करता है, जिसके पास मनुष्य के लिए अनंत के लिए योजना है। एक दिन मैं सुबह के समय प्रार्थना कर रहा था, अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहा था और तभी मैंने अखबार में एक खबर देखी। मैंने देखा कि एक जवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सुबह का समय था,
इस खबर ने मुझे बहुत चौंका दिया और मेरे मन में एक प्रश्न आने लगा। हमने पढ़ा कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, उसके कह देने से प्रकाश हो गया, उसके कह देने से ये पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा और सब कुछ अस्तित्व में आ गया, उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में जीवन है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आने लगा, परमेश्वर जब वो जवान व्यक्ति उस ट्रेन के आगे कूद रहा था, आप कहां थे? क्या आप उसका हाथ पकड़कर उसको ट्रेन के सामने से बचा नहीं सकते थे, या क्या आप बोलकर उस ट्रेन को रोक नहीं सकते थे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई सवाल आते हो, जब आप किसी समस्या से घिर जाते हो, जब आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हो, जब आप देखते हो कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आप परमेश्वर से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये बातें क्यों हैं? आप कहां हैं? लेकिन याद रखिएगा, मैं एक वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसके 15 से 19 तक, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और अगर आप 15 से 19 तक पढ़ेंगे, यह लिखा है, सुन मैंने आज तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। अगर आप 19 पद पढ़ेंगे, वो लिखा है, मैंने आज जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन को चुन लो। इस वचन पर मनन कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उपहार दिया और वो उपहार क्या था? वो उपहार थी परमेश्वर की समानता। उस समानता में 3 महत्वपूर्ण चीज है। पहला है इंटेलेक्ट, अर्थात सोचने समझने और निर्णय की शक्ति। आज जब आप इस स्थान पर बैठे हैं, यह आपने सोचा कि मैं इस सभा में जाऊं, मुझे उस सभा में जाना चाहिए। यहां पर जब जवान गीत गा रहे थे, उन्होंने सोचा आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, कि क्यों ना मैं कीबोर्ड सीखूं और मैं गीत गाऊं, परमेश्वर की आराधना करूं। ये सब कुछ सोचने से शुरू होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने का उपहार दिया है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। आधुनिक दार्शनिक और प्राचीन दार्शनिक सुकरात ने भी कहा है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, मनुष्य सोचता है, और सोचने का ये जो उपहार है, ये परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, इंटेलेक्ट, सोचने की शक्ति। दूसरा है विल, इच्छा शक्ति। सोचने के बाद आप क्या निर्णय लेते हैं, ये आपके हाथों में है। आपने सोचा कि मुझे उस सभा में जाना चाहिए और आपने अपनी इच्छा शक्ति, अपने निर्णय को लिया और आज आप इस सभा में आए। सोचने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हो या कहीं दूर से सुन रहे हो, लेकिन आपने सोचने के बाद निर्णय लिया। यू डिसाइडेड, यू चूज टू कम, निर्णय लिया। और तीसरा उपहार है भावनाएं, भावना। हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मंदिर में गया तो उसने देखा कि मंदिर में वहां व्यापार हो रहा है और यीशु मसीह को क्रोध आया। समस्त पवित्र शास्त्र बाइबल में हम यीशु मसीह को सिर्फ एक बार क्रोधित होते हुए देखते हैं, जहां उसने मंदिर के लोगों को व्यापार करते देखा और उसे गुस्सा आया, एक भावना प्रकट हुई। बाइबल कहती है जब लाजर की कब्र पर यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। He started crying। ये एक भावना है। ठीक इसी तरह हम मनुष्यों के पास अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग समय में भावनाएं होती हैं, इंटेलेक्ट, विल और इमोशंस। और वचन कहता है, बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। आप अपने
अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को, उस बुद्धि को और उस इच्छा शक्ति को उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको जीवन के पास नहीं ले जाना चाहता। परमेश्वर आपको स्वतंत्र देता है, आपको स्वतंत्रता देता है। जब आप शराब पीते हैं, जब आप गाली देते हैं, जब आप झगड़ा करते हैं, परमेश्वर आपको रोक सकता है, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने आपको एक उपहार दिया है, एक उपहार, जब आप किसी को उपहार दे देते हैं तो आप बार बार जाकर उससे पूछते नहीं वो उपहार कहां है, आप उसे दे देते हैं। मुझे याद है आज से कई सालों पहले मैं और मेरी पत्नी एक बर्थडे पार्टी में गए। ये एक छोटे बच्चे का जन्मदिन था और उस समय सन 2007 की बात है, मैंने उसके लिए एक उपहार खरीदा और उस उपहार की कीमत 500 रुपए थी और वो उपहार लेकर मैं उस छोटे बच्चे के बर्थडे में गया और मैंने उसको वो उपहार दिया। उसने उस उपहार को खोला और वो खुश हो गया। वो एक खिलौना था और वो उसी जगह पर उस खिलौने से खेलने लगा। मुझे देखकर खुशी हुई कि वो खिलौना उसको पसंद आया। 3 दिन के बाद किसी दूसरे काम से मुझे उस घर में वापस जाना पड़ा क्योंकि वो मेरे एक मित्र का घर था। और 3 दिन के बाद जब मैं उस घर में आया तो मैंने क्या देखा कि वही खिलौना जो 3 दिन पहले मैंने अपने मित्र के बेटे को दिया था, जिसकी कीमत 500 रुपए थी, वो अब 4 भागों में टूट चुका है और वो घर के कोने में पड़ा है। उसे देखते ही मेरे अंदर एक भावना, क्रोध की भावना जगने लगी। मैंने सोचा मैंने इसके लिए 500 रुपए कीमत चुकाई है और केवल 3 दिन के अंदर इस छोटे बच्चे ने उस खिलौने को तोड़ दिया। मैं बहुत गुस्सा हुआ। वो मेरे सामने घूम रहा था, पूछ रहा था, अंकल आप कैसे हैं? मेरे मन में बहुत गुस्सा था, मन कर रहा था कि मैं उसे एक थप्पड़ मारूं। मैंने ये खिलौना तुम्हें दिया और तुमने इसे केवल 3 दिन में तोड़ दिया। मैं बड़ा क्रोधित होकर वहां से निकला। जब मैं मार्ग में था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। God started speaking to me. परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। उसने कहा, ठीक इसी तरह से जीवन का उपहार मैंने प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया है, स्वतंत्रता का उपहार दे दिया है, निर्णय लेने का उपहार दे दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। कई बार हम अपने जीवन में गलत चुनाव कर लेते हैं, गलत चीजों को चुन लेते हैं। मैं एक जवान व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो बहुत ड्रग्स लिया करता था और उसे पेट का कैंसर हो गया और वो अस्पताल के अंदर अंतिम सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, काश उस समय, वो पहला दिन जब मैंने उस ड्रग्स को हाथ लगाया था, काश वो दिन वापस आ जाए और मैं उस दिन को बदल दूं और वो चीज जो मेरे सामने रखी हो।